हाय फ्रेंड, एक नई टेक्निक, एक नया वीडियो लेके आपका दोस्त रही हाजिर है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे होंडा ड्रीम योगा के कार्बोरेटर में से जहाँ से एयर निकलता है वहाँ से अगर ओवरफ्लो होकर पेट्रोल गिरने लग जाए, जिससे आपकी बाइक स्टैंड ना हो, पेट्रोल पूरा जमीन में बह रहा है, तो आप उसको कैसे ठीक करेंगे, कार्बोरेटर को कैसा खोल के रिपेयर करेंगे। दो कारण होते हैं, या तो कार्बोरेटर के अंदर पार्ट्स खराब हो गए, या तो फिर जंग बिंग अंदर गंदगी जमा हो गई है। तो अगर हम कार्बोरेटर को साफ करेंगे, लेकिन फ्रेंड आपको मैं बता के रखता हूँ कि अगर आपने कार्बोरेटर साफ किया है तो आपको टंकी भी साफ करना है, क्योंकि टंकी में से ही आपका वापस से जमा हो जाएगा, फिर आपको कार्बोरेटर खोलना पड़ेगा। तो इस वीडियो में तो हम कार्बोरेटर के बारे में बताएंगे आपको, और नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी लाएंगे जिसमें हम टंकी को जो जंग लगी हुई है वो कैसे साफ करने का बताएंगे। असल में हमने टंकी को भी साफ किया और कार्बोरेटर को भी साफ किया, तो अभी इस वीडियो में हम कार्बोरेटर के बारे में बताएंगे, और नेक्स्ट वीडियो जल्द आएगा मेरा जिसके बारे में हम टंकी कैसे साफ करें जिसको जंग लग गया बरसात से, अंदर पर टंकी पूरी रस्ट पकड़ ली है, तो कैसा क्लीन करें वो भी नई टेक्निक से। वो यूट्यूब में अभी तक इस टेक्निक को कोई इस्तेमाल नहीं किया, ये आपका दोस्त रहीम ने आपके लिए हाजिर किया है। तो इस वीडियो में बने रहिए, हम आपको अपना नया टेक्निक बताएंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में हम खाली कार्बोरेटर के बारे में बताएंगे, तो वीडियो शुरू करते हैं। जो पेट्रोल गिर रहा है वो भी आपको हम दिखाते हैं कि जिधर से एयर निकलती है वहाँ से पेट्रोल गिरने लग गया है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, पेट्रोल पूरा बह रहा है। अभी हम पहले वॉल चालू करते हैं पेट्रोल का और आपको दिखाते हैं। नीचे की जो आप नली देख रहे हैं फ्रेंड, उसी नली से एयर निकलता है कार्बोरेटर से, इससे पेट्रोल गिर रहा है। ये देखिए लगातार पेट्रोल गिरा, इसका मतलब अंदर तो कुछ पार्ट खराब हुआ या तो फिर गंदगी बहुत सारी जमा हो गई है, टंकी के जरिए जंग बिंग रहेगा बरसात के टाइम का, वो सब जमा होके कार्बोरेटर में जमा हो गया रहेगा, ऐसा भी हो सकता है, या तो कोई पार्ट खराब हुआ रहेगा। तो फिलहाल हम वीडियो थोड़ा छोटा करते और खोलने के बाद आपको दिखाते, और अगर आपको पूरा वीडियो देखने का ये सफाई कैसा करते कैसा खोलते हैं, तो आई बटन पर आप जाके भी कार्बोरेटर का पूरा क्लीन, उसमें बताया गया है कि आप कार्बोरेटर को कैसे खोले कैसा फिट करें, सब बताया गया है। इसमें हम जो कर रहे हैं कार्बोरेटर ओवर फ्लो हो रहा है, पेट्रोल गिर रहा है, तो वो उसका हम इसमें कर रहे हैं। इसके लिए आपको हम डिटेल में नहीं बता रहे, सीधा कार्बोरेटर खोल के आपको बताएंगे। फटाफट हम खोल देते, उसके बाद में आपको बताते कैसा क्या हुआ, जिसमें ऐसा क्या हुआ फ्रेंड कि जिसकी वजह से जहाँ से हवा निकलना चाहिए था वहाँ से पेट्रोल गिर रहा है। तो फटाफट खोल देते और आपको बताते कि क्या हुआ है। ओ माय गॉड, इसके अंदर तो देखिए फ्रेंड बहुत सारी गंदगी जमा हो गई है, ये भी कारण हो सकता है, या तो कोई पार्ट खराब होएगा। वीडियो में बने रहिए और आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप पार्ट खराब हुआ है कि अंदर गंदगी की वजह से हुआ है। तो पहले हम सब खोलने के बाद आपको बताते ऐसा क्लीन करें। तो आप वीडियो में बने रहिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। पिन निकाल देते हैं हम सबसे पहले, इसे गौर से देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर जो अगर ओरिंग है हमारी ठीक ठाक है, घसी हुई नहीं है, ये तो मुझे लगता नहीं कि खराब हुई होगी, फिर भी हम चेक कर लेंगे लास्ट में। कार्बोरेटर में है स्पिंडल है बारीक बारीक, उसको निकाल देते ब्रश के, सबको हमें क्लीन करना होगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि हमारे पार्ट कौन से खराब है और कौन से अच्छे पार्ट है। और ये जो हम स्क्रू खोल रहे हैं फ्रेंड, जिससे हम एयर एडजस्ट करते हैं और रेस बाइक का, वो दो स्क्रू को भी खोल देंगे ताकि अच्छा क्लीन हो जाए सब। इसके अंदर एक स्प्रिंग रहती है फ्रेंड, संभाल के खोलिए, और जब भी आप किसी भी पार्ट को खोलें बाइक में तो सबसे पहले वीडियो बनाइए, ताकि अगर आप भूल गए तो वीडियो देख के वापस फिटिंग कर सकते हैं। और फ्रेंड एक बात आपको बोलना चाहता हूँ, मैं गाड़ी का मैकेनिक नहीं हूँ, मैं भी फर्स्ट टाइम ऐसे ही खोला था वीडियो बना के, जिससे मेरे को अंदर हौसला बढ़ा और मैं अभी पूरा बाइक बना लेता हूँ
कुछ भी बाइक का अगर ख़राब होता है तो मैं खुद बना लेता हूँ। तो अगर आप भी तो आपको भी अगर ऐसा बनना है मैकेनिक तो आप डरो मत, क्योंकि डर के आगे जीत है। तो बिंदास बनाइए वीडियो, एक बार आपसे फिटिंग हो जाएगा मस्त, इंशाल्लाह आप अपनी बाइक को खुद बनाएंगे, वो भी मैकेनिक से अच्छा, क्योंकि मैंने लोकल मैकेनिक को देखा बहुत ठुक पट्टी काम करते, उससे अच्छा आप अपनी बाइक को खुद सर्विस करें। मैकेनिक लोग एकदम घटिया काम करते हैं, मैंने अपनी बाइक दे के पछताया था, इसके लिए आप खुद ही अपनी बाइक को रिपेयर करें। तो वीडियो में आते आगे बढ़ते, देखिए कितना गंदा निकला अपने कार्बोरेटर से। अभी हम ब्रश की मदद से इसको क्लीन कर रहे थे, पहले हमने पेट्रोल निकाल लिया गाड़ी से और अब इसको हम सब पिनों को धोएंगे, जो भी इसके नोजिल है सब हर चीज़ को पेट्रोल धोएंगे और कार्बोरेटर के अंदर बाहर सब जगह से पेट्रोल से धो देंगे और इसे सूखे कपड़े से अच्छा पोंछ देंगे। ट्रेंड बहुत जल्द मेरा एक वीडियो और आएगा जिसमें हम बाइक की सीट आप खुद ही सीट कवर बदल सकते हैं घर पे, वो भी स्टाइलिश में बना सकते हैं, वो भी वीडियो में बहुत जल्द आपके सामने लाऊंगा। तो हमारे चैनल बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रहिए ताकि हर वीडियो आपको मिले। और हाँ फ्रेंड, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो इस चैनल पर वीडियो अच्छे अच्छे आती है तो चैनल पे बने रहिए। तब ने सब पीने धो लिए पेट्रोल से ब्रश की मदद से, देखिए गंदगी कितना निकला पिन में से। इसी पेट्रोल का हम हमारे कार्बोरेटर के बाहर जो बट्टी बट्टी डस्ट है उसको साफ कर देंगे, एक्स्ट्रा पेट्रोल निकलने की आपको जरूरत नहीं। अभी सूखे कपड़े से पोंछ दो और बिल्कुल आप जब पहली टाइम करें फ्रेंड एकदम शांत दिमाग से करना, क्योंकि इसका एक भी पार्ट मिस नहीं होना मांगता है। और इसको फिटिंग कैसे करते हैं मेरे आप मानते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डालता हूँ, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी हमने एक बारीक कॉपर की तार ली है जो इसके अंदर पिनों में बारीक बारीक होल है फ्रेंड, उसके अंदर भी गंदगी जमा हो जाती है। हम उससे अच्छा तार पास करेंगे ताकि जो भी इसके अंदर जंग है सब निकल जाए, डस्ट जो अंदर घुस गया है। ये भी अच्छा दिख रहा है हमारा, इधर से भी छेद नहीं दिख रहा है। इसको भी जरा आप दबा के पिन को जरा अच्छे से चेक कर देना, पीछे का जो भाग है वो पंपिंग होना मांगता है, अगर जाम रहेगा तो ख़राब है। पंपिंग हो रहा है इसका मतलब ये काम कर रहा है। एक बार साफ पेट्रोल लेंगे और वापिस उस पिनों को वापिस धोएंगे ताकि जो भी थोड़ा बहुत गंदगी है वो भी निकल जाए। जैसे आपको दो टाइम धोना है पेट्रोल से। इसके अंदर ज्यादा मट्टी थी, पहले हमने इसको पानी से वॉश कर लिया है, अभी इसको पेट्रोल से थोड़ा धो देंगे ताकि जो पानी है अंदर का उड़ जाए पूरा।
जहाँ जहाँ होल है उसमें थोड़ा थोड़ा पेट्रोल डाल देंगे, ये गंदगी सब बाहर निकल जाए। देखिए हमने इसको पहले वॉश कर दिया पानी से, अभी जाके पेट्रोल धो रहे हैं, इसके अंदर पानी है वो निकल जाए। तो अभी सबसे बड़ा काम हो रहा है फिटिंग का, क्योंकि अपन मैकेनिक नहीं है फ्रेंड, मैकेनिक लोग को कुछ टेंशन नहीं होता है। जो आप फर्स्ट टाइम खोलेंगे तो आपको टेंशन ही रहेगा, तो बिंदास लगाइए आराम आराम से। और जो मैं वीडियो बनाने का बोला था वो बात याद रखना। इसका मतलब ये हमारा ओके है, अभी हम इसे फिट करके चेक करते हैं एक बार गाड़ी में कि कैसा ये काम करता है। तो फ्रेंड चेक करने से तो हमें पता चल गया कि गंदगी का प्रॉब्लम था और इसमें कुछ भी पार्ट ख़राब नहीं हुआ है। इसके नीचे भी एक स्क्रू रहता है फ्रेंड कार्बोरेटर के, उसको भी हम खोल के साफ कर देते हैं, वापिस फिट कर देते साफ करके। जो हमने चौक को निकाला था उसे भी अच्छा टाइट कर देते, जो हमारा चौक था बाइक का जिसे गाड़ी को चौक में डालते, वो भी हमने फिट कर दिए। हम इस स्क्रू को भी हल्का टाइट करते हैं, जब गाड़ी में फिटिंग के बाद में इसे एडजस्ट करेंगे, जिसमें से हम रेस और एयर एडजस्ट करते हैं वो स्क्रू से, ये पूरा फिट कर देंगे सब जगह का। स्क्रू टाइट है क्या चेक कर लेंगे। और इसको बाद में एडजस्ट करेंगे। तो फ्रेंड और ये देखिए पेट्रोल के नीचे जो ये निप्पल है उसे भी हमें खोल के, इसके अंदर भी गंदगी जमा रहती है, इसको भी हमें खोल के चेक करना पड़ेगा कि इसके अंदर गंदगी मट्टी रस है क्या। इसको खोल देते और जल्दी जल्दी वीडियो फिर आगे बढ़ाते। ओहो यार इसके अंदर भी तो बहुत सारा गंदगी जमा है, ये सब जाती है अपने कार्बोरेटर में जिससे बाद में प्रॉब्लम होती है। तो इसको भी साफ कर देते, इसको भी बरसात के बाद में चेक करना चाहिए जरूर से, मैं चेक नहीं किया ही गलती हो गया। देखिए कितना मट्टी का पूरा गट्टा निकला, देखिए फ्रेंड ये आहिस्ते आहिस्ते कार्बोरेटर में घुसती है पाइपलाइन के जरिए। तो इसको भी फटाफट साफ करते और वीडियो में फिर आगे बढ़ते। देखिए कितना मट्टी का गट्टा निकला इसके अंदर से। तो फ्रेंड देखिए हमने साफ कर दिए, ये हम कार्बोरेटर और ये निप्पल को दोनों को फिट कर रखे थे और आपको बताते हैं। तो फ्रेंड हमने पहले निप्पल फिट कर दिया है देखिए टंकी के नीचे जस्ट, और अभी हमने कार्बोरेटर भी फिट कर दिया है और इसका पेट्रोल का पाइप लगा देते हैं इसमें, जिससे हमारा टंकी से निकल के कार्बोरेटर में पेट्रोल जाए। तो फ्रेंड सबसे पहले हम पेट्रोल टंकी का वॉल खोलेंगे कि हमारा पेट्रोल नीचे है, और देखेंगे कार्बोरेटर से पेट्रोल गिरता है क्या।
हमने खोल दिया वॉल पेट्रोल का, देखिए हमारा पेट्रोल नहीं आ रहा है, तो मतलब जो हमने सर्विसिंग किया है वो ओके है, अभी हमारा पेट्रोल नहीं निकल रहा है। गाड़ी स्टार्ट करके इसके दो बोल्ट को एडजस्ट कर लेते हैं, गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। हो गई है सर्विसिंग, हमने ठीक ठाक करी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और देखिए पेट्रोल भी लीक नहीं हो रहा है, यानी हमने सही प्रोसेस किया है। तो बाय फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, चलो।